भगवान सम्राट अध्याय 2827 आतंक। डार्क एबिस के अधिकांश यान कबीले के सदस्य यूनानक्सिंग में रहते हैं। यह एक आठ स्तरीय ग्रह है जो डार्क एबिस से बहुत दूर नहीं है। यह गहरे नीले रंग का है जो आइस किंग के आकार के समान है, जिसका व्यास लाखों मील से अधिक है, जो कई सितारों से बड़ा है और 10 ट्रिलियन भिक्षुओं में निवास कर सकता है। चारों ओर कई जीवित ग्रह हैं, जो एक छोटे से स्टार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि अंधेरे शक्ति से प्रभावित इस स्टार क्षेत्र की खेती के संसाधन बहुत खराब हैं। खेती का सबसे बड़ा संसाधन राक्षस है। हालांकि जानवर का शिकार करना बेहद खतरनाक है। डार्क एबिस में यान परिवार का जीवन इन वर्षों में अच्छा नहीं रहा है। हर दिन लड़ता और लड़ता है। 1,00,000 साल पहले यूनानक्सिंग डार्क टेंपल के तहत एक स्टार डोमेन था, लेकिन इस पर बुकिंगजों के नेतृत्व में यान लुओ जनजाति का कब्जा था और दोनों पक्षों के बीच नफरत जाली थी। इस दिन यूएनसिंग एक विशिष्ट अतिथि के लिए आया था। भगवान से मिलो। शानदार मंदिर के नीचे रक्त नरसंहार के देवता और अंधेरे रसातल के यान कबीले ने एक साथ झुककर सलाम किया। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा और खून जैसा। उन्होंने एक शानदार बागे पहने थे और जानवरों की हजारों छवियों के साथ ब्रांडेड थे। हालांकि उनके शरीर पर अलौकिक शक्ति का कोई निशान नहीं था, जिसने लोगों को निकटता का बहुत सहज एहसास दिया। अन्य देवताओं की तरह रहस्यमय, राजसी और दबंग नहीं, बल्कि एक मिलनसार बुजुर्ग की तरह। यह भाग्य के मंदिर का फूलू है। यह पहली बार नहीं है जब फूलू लोगों के सामने आया। हर हजार साल में आकाश का शिकार करते हुए वह एक बार दिखाई देगा। हालांकि लोगों के सामने जो कुछ भी प्रकट हुआ वह बस एक विशाल और अतुलनीय मूर्ति। पवित्र भिक्षु या साधारण देवता देवताओं को जितना हो सके उतना कठिन देखना चाहते हैं। लेकिन इस समय फूलू का असली शरीर यू डार्क स्टार पर उतरा और रक्तवध के सामने दिखाई दिया। रक्तवध स्वाभाविक रूप से हैरान था। आखिरकार उसने केवल एक बार अपने मृत्यु के स्वामी का वास्तविक शरीर देखा है। देवता 9 स्वर्ग ड्रैगन से अधिक मजबूत हैं, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। जैसे ही फुलू जमीन पर गिरा, बादलों और अंधेरे सितारों के पहाड़ों और लकीरों के बीच आशीर्वाद का प्रकाश उत्सर्जित हुआ और अनगिनत पवित्र दवाएं उगाई। बड़ी झीलें और गहरे महासागर सुनहरे रंग। में बदल जाते हैं, बादल आकाश में बढ़ रहे हैं और पानी के बड़े क्षेत्र आध्यात्मिक झरनों में बदल जाते हैं। यह परमेश्वर का आशीर्वाद है। यह भाग्य के मार्ग की 12 शक्तियों में से एक है। एक विचार से दुनिया को बदलें। भाग्य की शक्ति और सर्वोच्च मन के साथ इसने पृथ्वी के हजारों मील की अज्ञात संख्या को बदल दिया है। भूमिगत ने आध्यात्मिक और पवित्र नसों को जन्म दिया है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए हैं, जिससे यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त हो गया है। ज्वेतु देवताओं के दायरे में कदम रखा, ऐसा लगता है कि अंधेरा रसातल आप दाईं ओर आ गए हैं। नीति के मंदिर ने एक सीट भर दी है। भगवान फुलू मुस्कुराए और खून को देखा। देवताओं के सामने रक्तवध कहा पागल हो गया, उसने जल्दी से विनम्रता से कहा, यह देवता हैं जो आपके बूढ़े आदमी के दिव्य मन और आशीर्वाद का सम्मान करते हैं,
और बच्चा सफलतापूर्वक आपदा को दूर कर सकता है। असंख्य आँखें अतीत का तिरस्कार करते हुए, देवताओं में ऐसा बेशर्म अस्तित्व है। वो किंगजोंग व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आए। फोलू और अंधेरे रसातल के यान परिवार स्पष्ट रूप से करीब हैं, अन्यथा हजारों साल। पहले यान बुशेन और प्रज्ञा की शादी नहीं होगी और यान बुशेन को शादी से बचाया जाएगा। देवताओं को छोड़कर केवल कुछ सर्वोच्च संत थे। देवताओं के सामने वे बहुत दबाव में हैं। जब फुलु शेंजुन और वुकिंगजोंग बात कर रहे थे, जुएतु की नजर जू रुलाई और गोम नानफेंग पर पड़ी। ये दोनों लोग फुलु के साथ यूनानक्सिन आए थे। अंधेरे रसातल में रक्त वध उन दोनों की आभा महसूस किया। भगवान फुलु ने कहा, अंधेरे के रसातल से लौटने के बाद झांग रुओचेन और यान बुशेन निश्चित रूप से टूटने और देवता बनने जा रहे हैं। वे दोनों प्राचीन जादूगर हैं और वे इस युग की आशा हैं। रक्त दूर तारों वाले आकाश युद्ध के मैदान में तीन जीवन की दुनिया में बैठा है। व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ, इसलिए मैंने बूढ़े आदमी को आमंत्रित किया। यदि वे दोनों दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वे तेजी से प्रगति करने में सक्षम होंगे। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है और वे सीधे अथाह तक पहुंचने में सक्षम होंगे और उन्हें राजाओं और सम्मान का ताज पहनाया जाएगा। रक्त वध ने उनका पीछा किया और चुपके से सुना। यह उसके दिल में पहले से ही स्पष्ट था कि यह पता चला। कि भगवान फुलु वास्तव में झांग रुओचेन और यान बुशेन के कारण आए थे। यह बहुत ईर्ष्यापूर्ण है। यह सिर्फ एक दिव्य आपदा थी और देवता व्यक्तिगत रूप से उसके पास आए। देवताओं के शिष्यों को यह उपचार नहीं मिलता है। वेनचू चिंतित था, उसकी अभिव्यक्ति उदास थी और कहा, भगवान अंधेरे संसाधनों में बहुत सी चीजें हुई हैं, झांग रुओचेन डरते हैं। फुलु जानता था कि वह क्या कहना चाहता है और वह चिंतित नहीं था और मुस्कुराते हुए कहा, यह देवता पहले से ही डार्क एबिस के प्रवेश द्वार पर जा चुका है और इसका पता लगाने के लिए तियांशु सुई का इस्तेमाल किया है। झांग रुओचेन को जल्द ही बाहर होना चाहिए। तियांशु सुई एक कलाकृति है। पता लगाने के लिए दिव्य उपकरण को नियंत्रित करने के लिए देवताओं की शक्ति का उपयोग करना, भले ही झांग रुओचेन अंधेरे के रसातल में हो, वह एक या दो का पता लगा सकता था। यह सुनकर यान लुओ कबीले के देवता नीरसता से दूर हो गए और अपनी आत्माओं को उठा लिया। आखिरकार अंधेरे के रसातल में यह उनके लिए था कि झांग रुओचेन ने अति सुंदर जेन गर्ल के साथ छोड़ दिया। खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा था और जीवन या मृत्यु। को जाने बिना समाप्त हो गया। वे बहुत दोषी हैं। मुझे पता था कि झांग रुओचेन महान भाग्य वाला एक युवा नायक डार्क एबिस में नष्ट नहीं हो सकता है। एक वीर यम हसे। झांग रुओचेन डार्क एबिस में यान परिवार का हमारा सच्चा दोस्त है। मैं वास्तव में उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब झांग रुओचेन एक देवता बन जाएगा और मुझे नहीं पता कि वह दायरे में प्रवेश करने के बाद कितना मजबूत होगा। बुकिंग संप्रदाय के मंदिर में एक भोज रखा गया था। जादू का दीपक ऊंचा लटका हुआ है और यह आनंद से भरा है। देवता व्यवहार में अपने प्रश्नों।
के लिए फूलू से पूछने गए। फूलू बहुत धैर्यवान था और उन्हें एक एक करके जवाब दिया। सभी के पास एक फसल थी और उत्साहित दिख रहे थे। उसके बाद फूलू के ने देवताओं की दुनिया से अलग थलग वुकिन संप्रदाय के साथ एक गुप्त बातचीत की। कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अचानक मंदिर में देवताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आकाश की ओर देखा, तारों वाला आकाश जहां अंधेरा रसातल था। यह मेरे बड़े भाई हाहा की सांस है। वह वास्तव में कठिनाइयों को दूर करने में कामयाब रहा और अंधेरे की खाई से बच गया। जोएतु उठा, टोस्ट किया और हंसा। यान टिंग, जो रक्त वध के बगल में बैठी थी, ने अपना चेहरा थोड़ा बदल दिया और कहा, नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति डार्क एबिस की दिशा में कैसे इकट्ठा हुई है? क्या हुआ? क्या तुम नहीं समझते? यह मेरा भाई है जो आध्यात्मिक शक्ति दैवीय आपदा से गुजरने वाला है। आकाश और पृथ्वी की शक्ति आकाश आपदा में बदल जाएगी, उन सभी भिक्षुओं को मार देगी जो आध्यात्मिक शक्ति को देवताओं में बदलना चाहते हैं। हालांकि अगर यह आकाश आपदा को रोक सकता है तो खुद को परिष्कृत करने में सक्षम होने के नाते पवित्र हृदय दिव्य हृदय में बदल जाएगा और मानसिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति बन जाएगी। उस समय वरिष्ठ केवल आध्यात्मिक शक्ति के साथ सच्चे परमेश्वर के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। जूतू ने ईर्ष्या से कहा। झांग रोचेन बस अंधेरे के रसातल से बाहर उड़ गया और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमय शक्ति द्वारा पकड़ा गया, जैसे अदृश्य धागे की किस्में उसे बंद कर दिया। वह तेजी से उड़ान भरी, डार्क रसातल के प्रवेश द्वार से जितना संभव हो सके रहने की कोशिश कर रहा। जब मार्शल आर्ट देवता बन जाते हैं तो देवता अलग होते हैं। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति के लिए भगवान बनने के लिए केवल एक ही प्रकार की आपदा है और वह है तबाही। यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति दैवीय आपदा को पारित करना आसान है, यह केवल मार्शल आर्ट दिव्य आपदा की तुलना में आसान है। वास्तव में यह अभी भी खतरनाक है और कई आध्यात्मिक शक्ति भिक्षु हैं जो दिव्य आपदा के तहत मर जाते हैं। झांग रोचेन अंधेरे रसातल में एक बन गया था, इसलिए उसे तबाही से खोजा नहीं गया था। अंधकार की खाई को छोड़कर क्लेश तुरंत आ गया। यह ब्रह्मांड उबल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति झांग रोचेन की और परिवर्तित हो गई, जिससे तारे कांपने लगे और सितारों की रोशनी मंद हो गई। 100 मिलियन ली, 1 बिलियन ली, अधिक दूर के सितारों के लिए। स्वर्ग की तबाही दिल और प्यार की तबाही से अलग है। यह बाहरी दुनिया से आता है और यह सिर्फ इस तरह से है कि यह इस तरह के भयानक प्रभाव का कारण बनेगा, तारों वाले आकाश को हिलाएगा और बड़े ब्रह्मांड में फैल जाएगा। लेकिन वास्तव में अंदर से बाहर से दिल और स्नेह अक्सर अधिक भयानक होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को 1,00,000 लीटर के बादल में संघनित किया गया था। जो झांग रोचेन के सिर पर लटका हुआ था। लूट के बादल में गड़गड़ाहट और बिजली एक स्वर्गीय अजगर की तरह मुड़ गई, जोर से शोर कर रही थी, खोपड़ी, मंदिरों, जादू के पहाड़ों जैसे अजीब स्थलों को प्रकट कर रही थी। आदि कोई नियम नहीं है, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से बनते हैं।
झांग रोचेन ने डार्क एबिस के पास जीवन ग्रह से बहुत दूर तेज गति से उड़ान भरी और अपनी दिव्य आपदा के कारण अन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बूम, चमकदार बिजली ने हजारों मील के शून्य को छेद दिया। झांग रोचेन पर गिर गया मास में। प्रवेश कर गया और सेक्रेड हार्ट तक पहुंच गया। हर छिद्र को बिजली की रोशनी से छिड़का जाता है। झांग रोचेन के पवित्र हृदय में ऐसा लगता है कि एक आंतरिक दुनिया है जिसके अंदर शानदार लहरें और अराजकता है, और झांग रोचेन के हजारों मानसिक शक्ति विचार गड़गड़ाहट और बिजली में नहाए हुए खुद को तड़का लगाते हैं। अच्छा आओ, झांग रोचेन ने एक लंबी दहाड़ छोड़ी और अपने शरीर के चारों ओर छह पवित्र पहलुओं को जारी किया। पवित्र आत्मा पवित्र पहलू से जुड़ी हुई है और इसीलिए झांग रोचेन पवित्र पहलू को परिष्कृत करने और पवित्र आत्मा को एक दिव्य आत्मा में परिष्कृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है। इस तरह मार्शल आर्ट को पार करना आसान होना चाहिए। बूम बूम, घने गड़गड़ाहट और बिजली डकैती के बादल से बाहर उड़ गए, जिनमें से प्रत्येक एक ग्रह को तोड़ सकता था। ये सभी बिजली के बोल्ट झांग रोचेन पर गिर गए, जिससे झांग रोचेन पर प्रकाश एक तारे की तरह उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गया, जो पूरे स्टार क्षेत्र को दर्शाता है। यह प्रकाश प्रकाश की गति से प्रसारित होता है और यदि यह लंबे समय तक रहता है तो एक प्रकाश स्थान को एक प्रकाश वर्ष दूर लगभग 20 ट्रिलियन मील देखा जा सकता है। यह भयानक ऊर्जा है जो केवल देवताओं के पास है, और यह वह शक्ति है जो दुनिया के प्राणियों को विस्मय देती है। देवता एक ही विचार से क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। वेनचू बादल और अंधेरे तारे के वायुमंडल के ऊपर खड़ा था, दूरी में हजारों क्लेश बादलों को देख रहा था और कहा, आध्यात्मिक शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है। किंवदंती में आध्यात्मिक शक्ति मार्शल पावर की तुलना में बहुत कमजोर है। वह एक है जिसने स्वर्ग और मार्शल आर्ट को पार किया, लेकिन उसने जिस स्वर्गीय क्लेश का अनुभव किया उसकी तुलना इस समय झांग रोचेन के साथ नहीं की जा सकती है। यह सामान्य है। झांग रोचेन की मानसिक शक्ति 69 स्तर की नहीं बल्कि 71 के स्तर की चोटी है। दैवीय आपदा से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत है और मार्शल आर्ट दैवीय आपदा से कमजोर नहीं होगी। अन्य ताकतों के देवता भी हैं जो अंधेरे से बाहर आए और डकैती के बादल की दिशा को देखा। वे सभी झांग रोचेन को मारने और गहन अर्थ और सर्वोच्च पवित्र कलाकृतियों को जब्त करने के लिए इस स्टार क्षेत्र में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखने की हिम्मत नहीं की। अजीब चार गुजियांग, उन्होंने डार्क एबिस में भी प्रवेश किया, इसलिए वे डार्क एबिस के बाहर रहे। आखिरकार इसे रोका नहीं जा सकता है। झांग रोचेन भगवान के दायरे में कदम रखने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ताओवादी स्लैशिंग अभिशाप उसे मार सकता है। यदि ताओवादी स्लैशिंग अभिशाप उसे मार नहीं सकता है तो झांग रोचेन की मानसिक शक्ति और मार्शल आर्ट दोनों देवता हैं जो उससे गहरा अर्थ जीत सकता है। अंधेरे में छिपे हुए सभी प्रमुख ताकतों के देवता आहे भर रहे हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने आखिरी मौका गवा दिया है। अब वे कार्रवाई करने की हिम्मत कहां करते हैं? बादल और अंधेरे तारे के ऊपर आकाश में निलंबित भाग्य का द्वार 3 मिलियन मील ऊंचा है
जो आकाशगंगा को स्तब्ध करने वाली दिव्य शक्ति के साथ विस्फोट करता है, और यह स्पष्ट है कि वहाँ का एक वास्तविक शरीर बैठा है।